चंबा पुलिस को नशे के सौदागरों पर नकेल कसने का अभियान आजकल जोरों शोरों पर चला है। जिला चंबा में पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए अपने अभियान में लगातार सफलता भी मिल रही है। पुलिस ने अपने इसी अभियान के तहत चरस की एक खेप पकड़ने में सफलता हासिल की। स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल ब्यूरो धर्मशाला की टीम ने 702 ग्राम चरस सहित दो व्यक्तियों को दबोचा है। आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। चंबा पुलिस का नशे के सौदागरों पर नकेल कसने का अभियान पूरे जोरों पर है। जिला चंबा में पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए अपने अभियान में लगातार सफलता मिल रही है। पुलिस ने अपने इस अभियान में चरस की एक खेप को पकड़ने में सफलता हासिल की है। स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल ब्यूरो धर्मशाला की टीम ने शाम को 702 ग्राम चरस सहित दो व्यक्तियों को दबोचा है। पुलिस टीम को ये सफलता बालू पुल पर लगाए नाके के दौरान मिली। इस दौरान पुलिस ने दो लोगों की शक के आधार पर तलाशी ली तो उसके पास से 702 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी पंजाब और लुधियाना के रहने वाले हैं। पुलिस ने चरस की खेप के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस बात की छानबीन करने में जुट गई है कि व्यक्ति इस चरस को कहां से लाए थे और इसे कहां ले जा रहे थे। वहीं पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। चंबा प्रशांत ठाकुर ने कहा कि शाम को स्टेट नारकोटिक क्राइम कंट्रोल यूनिट धर्मशाला की टीम में 702 ग्राम चरस सात दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि ये शख्स बालू पुल के पास से जा रहे थे और पुलिस को जब शक पड़ा था उसकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 702 ग्राम चरस बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस का ये अभियान पिछले कई सालों से जारी है और पुलिस अपना अभियान आने वाले समय में भी जारी रखेगी। स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट एंड फील्ड यूनिट की जो टीम थी हमारी CID की टीम वो बालू में नए पुल के पास फॉर द पर्पज ऑफ इंटेलिजेंस कलेक्शन और ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पर उनकी टीम प्रेजेंट थी। तो इन द मीन टाइम शाम के समय दो लड़के जो कि जिनका नाम धनवीर सन ऑफ बबलीराम उम्र 19 साल, दूसरा सुरेश कुमार सन ऑफ जसवंत उम्र 35 साल, दोनों निवासी वाल्मीकि मोहल्ला शहर रायकोट तहसील जगराव और लुधियाना पंजाब के थे। उनकी एक्टिविटीज उनको सस्पिशियस लगी तो ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन उन्होंने उनके जो पिटवाए थे उनकी तलाशी ली। तो उनकी तलाशी में 702 ग्राम चरस रिकवर की गई है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हम लोग इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। बाकी लोगों से अपील करते हैं कि मादक पदार्थों के बारे में कोई भी यदि जानकारी हो तो उसको पुलिस का शेयर करें। और जो हमारे युवा हैं उनसे एक निवेदन और रहेगा कि ड्रग हिमाचल ऐप हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने लॉन्च की है, इसको अपने फोन में स्मार्टफोन में डाउनलोड करके इसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। आपका नाम पता गुप्त रखा जाएगा और पुलिस इसमें त्वरित कार्रवाई करेगी। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।